अंग्रेज डेवलपमेंट कर रहे थे देश को, मॉडर्नाइजेशन जो आधुनिक होता है उसको बना रहे थे, लेकिन हमारे देश के जो लोग थे जो बाहर से पढ़कर आए थे, जो राजा महाराजा थे, तो उन्होंने सोचा कि हम भी तो राज कर सकते हैं, क्यों ना हम इनको भगा दें। तो फिर एजुकेशन 1852 में 57 में जब भी शुरू हुए, बदरोह शुरू हुए अंग्रेजों के खिलाफ, और 1947 तक हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने आज़ादी को ले लिया। आज़ादी 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 हमको मिल गई। वो जो रेलवे लाइन उन्होंने बनाई थी आज भी वही चल रही हैं, वो जो जुडिशरी सिस्टम था उनका, अदालतें थी, पुलिस स्टेशन थे, जेलें थी, सिविल हॉस्पिटल थे, वो भी आज बहुत सारे आज भी चल रहे हैं। कहीं देखना आप ओल्ड बिल्डिंग जो होंगी, अभी तो थोड़ा रेनोवेशन हो रहा है, नया नया बना रहे हैं, लेकिन ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। एक मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया में बैठा था, मैंने कहा भैया तुम वहाँ से आ गए, तो कहता हाँ भाई आ गया, तो मेरे देश को कितना समय लगेगा ऑस्ट्रेलिया बनने में, कहता 1000 साल। 1000 साल यहाँ निकल हो नहीं सकता, कभी जो बन ही नहीं सकते। बेईमानी, भ्रष्टाचार, चोर बजारी हर किसी के सीने में है। किसी को पैसा जब मिलता है तो वो उसी का हो जाता है, पैसे का, कानून को भूल जाता है, देश को भूल जाता है, देश प्रेम को भूल जाता है, समाज को भूल जाता है, इंसानियत को भूल जाता है। आजकल तो देखिए जो सोसाइटी बनती हैं, ट्रस्ट बनते हैं हमारे लोगों की, समाज की सेवा के लिए, वो सब दुकानदारियाँ बन चुकी हैं। इतने भी स्कूल हैं प्राइवेट, वो सभी चैरिटेबल के नाम पर बनते हैं, लेकिन उन पर भी लोग जो हैं कब्जे कर रहे हैं, उनको दुकानदारी बना रहे हैं, उनका जो स्वरूप है कि स्कूल है तो स्कूल ही चलेगा, लेकिन उसको भी वो मार्केटिंग में चेंज कर रहे हैं। देखा ना आपने कोई सिनेमा हॉल जो होता है उसका NOC लेने के लिए, उसको जब बंद हो जाता तो बहुत मुश्किल काम होता है। अभी भी शहर में कई सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं, खंडर बन रहे हैं, लेकिन उनका NOC है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, कि इसको डेमोलिश करके यहाँ पर क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन स्कूल जो होते हैं उनको बड़ी आसानी से लोग कब्जा करके अपने व्यापारी मकसद से उसको यूज करने लगते हैं। बड़ी बेईमानी चल रही है। तहसीलदार हो गए, कमिश्नर हो गए, जितने भी हैं ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, और IS अफसर हो गए, कमिश्नर के नहीं मैं कहूँगा, IS अफसर जो होते हैं वो सभी कमिश्नर वगैरह बनते हैं, वही सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, वही सब कानून वगैरह बनाते हैं, वही सब काम करते हैं। क्योंकि 5 साल बाद नेता तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन IS अफसर वही रहते हैं, उनको सब पता होता है कहाँ से बेईमानी करनी है, कहाँ से चोर जारी करनी है। वो तिकड़मबाजी लड़ाकर फिर वो जो नेता लोग आते हैं ना MLA, उनको बताते हैं कि आपको यहाँ से पैसे बनेंगे। सारा सिस्टम जो होता है MLA चेंज होता है, लेकिन चोर बुजारी चेंज नहीं होती। वो चोर बुजारी करने वाले जो हैं वो सब सिखा देते हैं। देखिए MLA जो पैसा कमाने के लिए आता है, तनख्वाह लेने के लिए आता है, जब तक उसकी तनख्वाह बंद नहीं की जाएगी उसको ये नहीं कहा जाएगा कि जो MLA बनेगा वो देश की सेवा करेगा। वो तनख्वाह नहीं मिलेगी उसे, कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। अगर देश के लिए उसने कुछ करना है, देश के लिए जीना है, जो इंसानियत के लिए कुछ करना है, तो ये सब सिस्टम जो है इनका बंद होना चाहिए। बहुत सारी दुनिया है, 150 करोड़ में 500-400 आदमी ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। आप ऐसे लोगों को लेके आओ, MP लेके आओ जो देश के लिए काम करें, ना तनख्वाह लें, ना कोई भत्ता लें, ना कोई फंड लें, ना कोई सिक्योरिटी लें। ऐसे बंदे चाहिए देश को यार। भगत सिंह होता तो वो तनख्वाह लेता, चंद्रशेखर होता तो वो तनख्वाह लेता नहीं, वो देश के लिए काम करते थे। उन जैसे लोगों को ढूंढो, वो नहीं जिन्होंने तस्वीरें लगाकर भगत सिंह की आज देश को लूट रहे हैं। ऐसे लोग नहीं चाहिए हम लोगों को। आप लोगों को कब मुझे समझ आएगी मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग समझो, सोच बदलो, समाज बदलेगा। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त से लेकर आज तक एक पीढ़ी के लोग हैं ना, जो 80 साल के 70 साल के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, एक पीढ़ी ख़त्म हो रही है, जा रहे हैं वो बुज़ुर्ग,
अब जो उसके बाद जो पैदा हुए थे वो भी तैयारी में, 10-20 साल सब साल बाद सब जाते रहेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं जो आज पैदा हुए हैं तो 15 साल में 15 साल के हो जाएंगे, 20 साल में 20 साल के हो जाएंगे, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं भैया? बच्चों के पैरों में कांटे मत बीजो, अपना देश बहुत अच्छा है, इसे डेवलप करो, इंसानियत को देखो। आजकल तो गैंगस्टर चोर इतने बढ़ रहे हैं कि आने वाला समय तो पता नहीं, लेकिन आप बड़ी गाड़ी में बड़ी कोठी में बैठकर सोचते हैं कि हम लोग बहुत बड़े हो गए, लेकिन नहीं, आने वाला समय में आप भी रगड़े जाओगे। जब देश रगड़ा जाता है, समाज में कोई अशांति आती है तो आप लोगों पर भी भीड़ पड़ेगी, तो थोड़ा सा विरोध करना शुरू कीजिए, जो गलत चीज़ होती है समाज को सुधारने के लिए थोड़ा सा आगे आइए। समाज हम लोग ही एक दूसरे की मदद करें, पर आप लोग करोगे नहीं। हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब करके आप कमेंट नहीं लिखना आता, आप लोगों को कमेंट नहीं लिखना आता। अरे कहता यार क्या मेहनत करेंगे हम लोग, इतने स्वार्थी हैं आप लोग, मेरे को गालियों नहीं निकाल सकते आप लोग। अरे थोड़ा सा हिम्मत करो ना आप लोग, अच्छा बुरा भला बुरा कुछ कहने की हिम्मत रखो ना, बोलना तो सीखो यार, बोलो तो सही ना। जब आप मेरे को कुछ कहते हो ना बड़ा भला बुरा, तो मेरे को अच्छा लगता है, गूंगा आदमी बोल पड़ा है। जब आप बोलते हैं तो हम सोचते हैं खड़ा हो गया तो कुछ करेगा, नहीं तो आप लेटे हुए हैं सभी लोग। सोच बदलो समाज बदलेगा, बातें कोई करने से फायदा ही नहीं है। कहते हैं मूर्खों में भाषण देने से कोई फायदा नहीं है, जो भाषण कर रहा है वही मूर्ख है। आप तो भेड़ चाल हैं, भेड़ चाल के तो सारे आप चल रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं आपको मालूम नहीं है। ये मैथ और इंग्लिश पढ़ने से आपके बच्चे कोई वो साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे, साइंटिस्ट तो बिना साइंस पढ़े ही स्कूलों में साइंटिस्ट बन जाते हैं। जो राइटर होते हैं तो बिना किताबें पढ़े ही जो स्कूलों में राइटर बन गए हैं, जितने भी राइटर हुए हैं आज से 200 साल पहले 100 साल पहले स्कूल थोड़ी होते थे। ये दुआ बना है सिस्टम, वो भी गलत सिस्टम है हमारा, उसको हमें चेंज करना होगा। आपको सोचना होगा बच्चा पढ़कर क्या आया है, उसके हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको पता ही नहीं है सब। और जो लोग, मैं तो कहता हूँ आप लोग हमारे से आगे डिबेट कीजिए, हमारे से बातचीत कीजिए, हमारे से आर्गुमेंट कीजिए, हमको भला बुरा कहें तो हम आप लोगों को जवाब देंगे, या हम हार कर बैठ जाएंगे या आप सही हैं हम गलत हैं या हम गलत हैं या आप सही हैं। बंटी अब हिलने लग गया थोड़ा थोड़ा, भी कहता है ये पता नहीं क्या बंदा बोल रहा है। बंटी बंद कर जा छठ बजे साल है तुम तो।